देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ने परेशान कर रखा था, लेकिन आज सुबह से ठंडी हवाओं के बाद मॉनसून ने दस्तक दे दी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। तेज बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं दिल्ली NCR में भी सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। गाजियाबाद में सुबह सुबह बारिश हुई, यहाँ भी लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में सुबह से ठंडी हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग का कहना है दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। IMD के अनुसार अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। 1 जुलाई को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। 2 से 4 जुलाई तक बारिश हल्की होगी। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 5 जुलाई से एक बार फिर बारिश बढ़ेगी। हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। हवाएं तेज चलेंगी, इसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 30 जून और 1 जुलाई के बीच मानसून राजधानी में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का कहना था कि रुका हुआ मानसून बुधवार से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। IMD के अनुसार आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कुछ हिस्से, पूरे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगा। इसका अगला पड़ाव दिल्ली होगा। मौसम विभाग ने 30 जून यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।